नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी है, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक कप ग्रेटेड लौकी ले ली है, इसे हम प्याले में डाल देंगे। लौकी को इस तरीके से दबा कर हम इसका जूस निकाल देंगे। लौकी को ग्रेट करने के लिए हमने लौकी को छील कर धो लिया और उसे कद्दूकस कर लिया। हमने एक कप बेसन लिया है। पहले हम लौकी में आधा कप बेसन मिलाएंगे और एक हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक और ये एक चौथाई छोटी चम्मच से आधी अजवाइन। इसे हम क्रश करके डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएंगे। यह हमने कोफ्ते का डो बनाकर तैयार कर लिया। बैटर तैयार करने में हमने 3/4 कप बेसन का यूज किया है। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि बेसन फूल कर सेट हो जाए। कोफ्ते तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और बैटर भी तैयार हो गया है और तेल भी गरम हो गया है। कोफ्ते तलने के लिए डालते हैं। तेल मीडियम गरम होना चाहिए और आग हम मीडियम हाई रखेंगे। कोफ्ते नीचे की ओर से ब्राउन हो जाएंगे, हम इन्हें पलट देंगे और इन्हें चारों ओर से अच्छे ब्राउन होने तक तलेंगे। कोफ्ते गोल्डन ब्राउन सिककर तैयार हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। कलछी को हम कढ़ाई के किनारे पर रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए और बचे हुए कोफ्ते भी हम इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। ये कोफ्ते हमने तलकर तैयार कर लिए और इतने डो से हमने 9 कोफ्ते बनाकर तैयार किए हैं। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और इसे गरम होने देंगे। तेल में हम 1/4 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। गैस धीमी रखेंगे ताकि मसाले जले ना। और ये 1/2 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे। ये हमने 3 टमाटर, 1 हरी मिर्च लिए, हम इनको पीस कर पेस्ट बनाएंगे। तो ये हमने टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया, तो मसाले में हम ये डाल देंगे। अब हम गैस को थोड़ा सा तेज करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग नहीं होने लगता। मसाले से तेल अलग हो रहा है, मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। इसे थोड़ा क्रश कर लेते हैं। और ये कसूरी मेथी हमने घर में बनाई है, इसे बनाने का तरीका आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और 1 टेबल स्पून बेसन डालेंगे और इन्हें मिलाते हुए मसाले को और 2 मिनट भूनेंगे। हम ग्रेवी टमाटर और बेसन से बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनेगी। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ग्रेवी बना सकते हैं और ग्रेवी बनाने का तरीका आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हमने मसाले को और 2-3 मिनट भून लिया है, मसाले से तेल अलग हो रहा है। मसाला भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसमें 2 कप पानी डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह मिला देंगे और ग्रेवी को हम थोड़ा सा पतला बना रहे हैं क्योंकि कोफ्ते ग्रेवी को सोख लेते हैं और बाद में सब्जी बहुत गाढ़ी हो जाती है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हम बाद में इसीलिए डालते हैं क्योंकि हमें पूरा अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी सब्जी कितनी बनने जा रही है। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया मिला देते हैं। लौकी का जूस डालकर इसमें मिला देते हैं। अगर आप इसे हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ग्रेवी के ऊपर तेल मसाले तैर रहे हैं, ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये तभी होता है जब मसालों को हम अच्छी तरह तेल निकलने तक भून लें। इसे हम ढक देंगे और 3-4 मिनट पकने देंगे। 4 मिनट हो गए, ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। हम ग्रेवी में कोफ्ते डाल देंगे
और अब हम फिर से ढककर इसे 3-4 मिनट पकने देंगे। हमने सब्जी को 4 मिनट ढककर पका लिया है, सब्जी बन चुकी है, हम इसे प्याले में निकाल लेते हैं। सब्जी के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, सब्जी की गार्निश कर देते हैं। लौकी के कोफ्ते की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप कोफ्ते तलेंगे तब तेल को चेक कर लें, तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर कोफ्ते तलने के लिए डाल दिए जाए तो वो जल्दी से जल जाते हैं। तेल मीडियम हाई गर्म हो, आप बहुत अच्छे कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। और ये सब्जी चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।